दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में हैं और इंद्रलोक इलाके की उसी मस्जिद के सामने खड़े हैं जहां आज 1:30 से 2 बजे के बीच में एक पुलिस वाले ने नमाजियों के साथ बदसलूकी की थी और उसके बाद पुलिस वाले के साथ झड़प हुई थी। हालांकि उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन उसके बाद माहौल न बिगड़े यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और बार बार यहाँ अनाउंस भी किया गया कि जिस पुलिस वाले ने बदसलूकी की थी उसे सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं इंद्रलोक इलाके में सैकड़ों पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है ताकि किसी तरह की स्थिति ना बिगड़े, लेकिन पुलिस वाले को सस्पेंड करने के बाद यहाँ स्थिति काबू में है। यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम एडवोकेट फराज खान और मैं यहाँ पे लोकल रहने वाला। फराज जी, हुआ क्या था? असल में ऐसा हुआ था, यहाँ पे फ्राइडे का नमाज का वक्त था, जुमे की नमाज का वक्त जो होता है, तो अब कुछ जैसे मस्जिद में जगह फुल हो गई थी तो कुछ लोग जो थे जो बाहर नमाज पढ़ रहे थे, तो जो चौकी इंचार्ज हैं SI मनोज, तो उन्होंने एट ए टाइम ऑफ प्रेइंग ऑफ नमाज सजदे के टाइम पर उसके बैक पे किक मारी, जो वीडियो वायरल हो, हाँ, किक मारी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल और असभ्य लैंग्वेज का। लेकिन उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड कर दिया। कैसे माहौल काबू में आया? क्योंकि बिगड़ सकता था माहौल, हमने वीडियो में भी देखा कि पुलिस वालों के उस पुलिसकर्मी के खिलाफ लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया, तो माहौल कैसे अभी काबू में? माहौल इस तरीके से काबू में है, सारे लोग स्थानीय लोग इकट्ठा हुए, इस चीज़ का विरोध भी किया और पुलिस ने भी, जो सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, ACP हैं, DCP जॉइंट कमिश्नर हैं, सब आ गए थे, उन लोगों ने इस बात का काफ़ी सपोर्ट करा और गलत को गलत कहा और स्थानीय लोगों के बीच में जाके अपनी बात को रखा कि हमने उनको सस्पेंड कर दिया है और रिटर्न ऑर्डर भी उन सब के बीच में अपना पेश करा, दिखाया कि हमने एक्शन और कार्रवाई ले ली गई है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। ओके, उसके बाद तमाम लोग शांत हो गए? उसके बाद शांति मार्च निकाला गया, लोगों के बीच जाकर हम वकीलों ने, पुलिस वालों ने, सब ने जाके बीच में बात करी, तब जाके वो लोग शांत हुए और अपने अपने घर को लौट गए। देखिए, यहाँ पहले, अब से थोड़ी देर पहले भीड़ जुट गई थी, आप स्थानीय लोगों को देख सकते हैं, पुलिस ने जो किया, पुलिस वाले ने जो किया उसकी तमाम लोग निंदा कर रहे हैं। पुलिस ने तुरंत एक्शन भी लिया, पुलिस के बड़े अधिकारी यहाँ आए और माहौल को देखते हुए उसे काबू में किया, लेकिन अभी माहौल ठीक ठाक है। लेकिन एहतियात के तौर पे पुलिस कर्मियों की सैकड़ों की संख्या में यहाँ तैनाती कर दी गई है ताकि माहौल ना बिगड़े, लेकिन भीड़ जो जुटी थी एक खास समुदाय के लोगों की, वो लोग अपने घरों में वापस चले गए हैं। कुछ लोग यहाँ ज़रूर मौजूद हैं लेकिन यही कह रहे हैं कि माहौल अब शांत हो गया है क्योंकि पुलिस ने एक्शन किया है। कैमरा पर्सन पंकज तोमर के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।